अस्सलाम वालेकुम बाबा, मामा नहीं आई? अब नहीं लेकर आ सके ना मामा को वापस? हम ना, तुम कैसे बात करिए बाबा से? बेटा मैंने पूरी कोशिश की, एयरपोर्ट जाते भी उससे मिल नहीं था, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गई। नहीं बात तो मुझे तुम कर लिया बाबा, नहीं मैंने कुछ गलत किया है, ना ही फहद ने कुछ गलत किया है। I'm sure उनकी जिद की वजह आप हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता उसकी जिद की क्या वजह, जानते हुए भी नहीं बता सकता। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूं। I hate mom. चाहे वो आए या ना आए। फहद, फहद बाबा। थैंक यू। आर यू ओके? बाबा उस वक्त मैं फहद की वजह से चुप हो गई, लेकिन अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं कि मुझे पता नहीं चले कि आपकी बातों का मतलब क्या। अब जब समझ ही चुकी है तो मेरी तरह सब्र कर लो। तुम तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे बच्चे मुझे मुबारक हो, उसे तुमसे, फहद से, मुझसे, किसी से कुछ लेना देना नहीं। उसकी जिंदगी में अब कोई और आ गया है। बाबा मेरा दिल नहीं मानता। आंखों देखा और कानों सुना तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। द सूनर यू रियलाइज दिस रियलिटी द बेटर। But she only loved you. I thought so too.